अभी हम वीडियो में टॉपिक डिस्कस जो करने वाले हैं वो है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करना है। मतलब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। आपको ग्रुप डेटा दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन टाइप का और मोर देन टाइप का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये पॉइंट आता है, तो आपको स्टेप ध्यान से समझना है। सबसे पहले मोर देन में आप जब भी करोगे तब आपको ध्यान रखना है दो पॉइंट का। आप बोलोगे सर पहला पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है, तो आपकी लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री दो बाउंड्री होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 0 to 10 है तो ये अपर लिमिट भी बोल सकते हैं और लोअर लिमिट भी बोल सकते हैं। तो हमें जो कैलकुलेशन करना होगा लेस देन में अपर लिमिट से करना है और यहाँ पे लोअर लिमिट है। जैसे ये पॉइंट क्लियर हो वो एक ध्यान रखना है, और यहाँ पे लेस देन में हमें ऊपर से नीचे जाना है, जब मोर देन में नीचे से ऊपर आना है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, इससे हमारा काम हो जाएगा। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना कैसे है, तो आप बोलोगे सबसे पहले सर इसको ये ग्रुप डेटा है, आपको लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लेस देन। लेस देन में मैंने अभी बोला कि यहाँ पे आपको अपर लिमिट लेनी है, तो लिखते हैं लेस 10 लेस देन। इसके बाद हमें लेना है 30 40 50 60 70। आप बोलोगे सर आपने अपर लिमिट ले ली है, परफेक्ट, हमने अपर लिमिट ले ली। और ये लेस देन सभी जगह लिखना है, हम यहाँ कॉमा करके लिख रहे हैं चलेगा, लेकिन आपको लिखना है। उसके बाद हमें सी एफ आई क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें लिखनी है, तो हमने सी एफ आई लिखा। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ध्यान रखना है पहला जो फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी, बाद में लिखना है 10 + 5 = 15, 15 + 15 हो जाएगा 30, 30 + 6 = 36, यहाँ से हम लिखते जा रहे हैं और 30 जा रहा है नीचे से ऐसे। सेम वे आपको देखना है यहाँ पे 36 नीचे आएगा, यहाँ पे 4 होगा, तो आप बोलोगे सर लिखो 40, 40 में 8 ऐड करो तो 48, 48 में 2 ऐड करो तो होगा 50। इसके साथ हमारा लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सी एफ आई क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने ढूंढ ली है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सी एफ आई जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सेम वे मोर देन लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर लिखो मोर और इक्वल इक्वल टू 0। सेम वे 10 और मोर इक्वल टू 0, 20 30 40 50 60। सेम वे हो, ये हो जाने के बाद आपको स्टार्ट करना है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से सी एफ आई। लेकिन ध्यान रखना है इसमें गलती ना हो, यहाँ ऊपर से चालू हो रहा था, यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा। ये आपको आगे भी हेल्पफुल होगा, तो ये स्टेप बहुत समझ के करना। तो यहाँ पे 2, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 6 आप बोलोगे 20, 20 ऊपर चला जाएगा, 20 प्लस आपको यहाँ देखना है सामने फ्रीक्वेंसी को 15, तो 35, 35 + 5 तो आप बोलोगे सर 40, ये 40 ऊपर जाएगा फिर से 40 + 10 और हो जाएगा 50। देखो ये आंसर भी 50 टैली होगा, ये आंसर भी टैली होगा, और यहाँ जो सिग्मा एफ आई करोगे तो भी टैली होगा। ये आपको समझ में आ गया, तो प्रैक्टिस के लिए दूसरा करवा रहा हूँ और क्लैरिटी आ जाएगी, और एक प्रैक्टिस के लिए सम दूंगा। तो हमारे में अभी डेटा कुछ इस तरह दिया गया है, अभी हमें लेस देन में ध्यान रखना है यहाँ कौन सी लिमिट लेनी है। तो आप बोलोगे सर अपर लिमिट लेनी है, कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। जैसे अपर लिमिट लिखते ही हम लिख सकते हैं 5 < 10 > 15 > 20 >
25, 30, अब बोलोगे लिखो सर 35, 40 एंड 45। सेम वे आप यहाँ लिखोगे 2, पहले में लिखोगे एज इट इज़ जो था वो। अब बोलोगे सर आपको दो एरो पे फोकस करना है, एक एरो है ऊपर से नीचे वाला और मोर देन में एक दूसरा एरो है, तो यहाँ तो एज इट इज़ हमने 2 लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख सकते हो आप 2 + 8 = 10, ये ऊपर से नीचे, ये 10 यहाँ नीचे गया, 10 + 5 = 15, 15 + 15 होगा 30, 30 + 6 = 36, 36 + 4 = 40, 40 + 9 = 49, +1 होगा तो 50, और 50 + 6 हो जाएगा 56। ये प्रेजेंटेशन होने के बाद आप बोल सकते हो कि सर अभी हमें कौन सा करना है, तो आप बोलोगे सर अभी मोर देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप बोलोगे सर मोर देन में आपको याद रखना है लोअर लिमिट, कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में क्या है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और यहाँ पे आपको कॉमा करना की ज़रूरत नहीं है, आपको तो लिखना पड़ेगा, अभी के लिए आप लिखो वो बात अलग है समझने के लिए। मोर देन होते ही आप लिखोगे यहाँ पे CFI था, सेम वे यहाँ पे भी CFI, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप बोलोगे सर आपको एरो फॉलो करना है, नीचे से जाना है, नीचे से जाना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करोगे आप बोलोगे सर लिखो पहले 6, बाद में 6 + 1 हो जाएगा 7, आप बोलोगे सर यहाँ से आप लिख रहे हो, बाद में 7 + 9 आप बोलोगे 16, 16 + 4 तो आप बोलोगे 20, 20 + तब बोलोगे सर यहाँ होगा 20 + 6 26, 26 + 15 41, 41 + हमारा है 5। आपके पास क्या नोटबुक में लिखा होगा तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, 46, 46 + 8 तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 54, और 54 + 2 तो होगा 56। आप बोलोगे सर यहाँ 56 और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 56, यहाँ पे भी 56, और टोटल करोगे वो भी FI का 56 आएगा। अभी मैं आपको दो सम दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट करके आप ले सकते हो और बाद में कैलकुलेशन आप कर देना। अभी एक दूसरा टॉपिक है जो आपको लिंक है यही वीडियो का, तो वो ध्यान से देखना।